बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो बहुत व्लॉग जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपने एंड तक व्लॉग देखना है। बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को देख कर, क्योंकि हम लोगों को इन्जॉय करते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आया। डायनो सफारी पार्क का आज हम विजिट करेंगे, तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो आप पार्ट वन भी लाजमी देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। और पार्ट टू है ये, पार्ट थ्री भी इंशाल्लाह नेक्स्ट डे डालूंगी। अच्छा, यहाँ का जो टिकट था ना जो 100 हो गया था, वरना पहले जो है वो 1 वीक या जितने भी दिन थे वो फ्री था, लेकिन अब हम जो गए थे तो 100 जो है पर हेड था, पर पर्सन का जो 100 था, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर होते ही कुछ इस तरीके से बने हुए थे डायनासोर्स के पिक्चर्स, और बहुत अच्छा लग रहा था। और एंट्रेंस में घुसते ही जो है वो इस तरीके से सोफ़ा टाइप का बना हुआ था डायनासोर्स का, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अट्रैक्टिव लग रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था देखते हुए। और जितनी ही भी इन्होंने हरियाली की हुई थी, बहुत ही इन्जॉय किया बच्चों ने, ठीक है। और यहाँ पर ये एग था, यहाँ पर बच्चे पिक्चर्स खिंचवाएँ, वीडियो बनवाएँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा जो है वो बनाया हुआ था, दिलचस्प बनाया हुआ था। और यहाँ पे जो है वो डायनासोर्स भी थे, इस तरह से देखें एग से जो है ना वो छोटे डायनासोर का बच्चा निकल रहा है, बहुत अच्छा लगा ये देखते हुए। एंड यहाँ पे डायनासोर्स भी थे जो चल रहे थे, जो बच्चे उसमें बैठ सकते थे, और उसका टिकट था 100। देन ये वाला डायनासोर था, यहाँ पे इसका नाम मेंशन है और कोई फैक्ट्स हैं, इसके मीनिंग है कि क्या है, और इसकी की जो है वो कितने साल वो जिंदा रहा, ये सब इसकी हिस्ट्री लिखी हुई। देन आप ओवरऑल जो व्यू है आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मेन जो है ना वो यहाँ पे सिर्फ पानी के बीच में जो है वो ढांचा लगा हुआ था डायनासोर का, जो देखने में बहुत दिलचस्प और बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके के यहाँ पे एग में जो है वो डायनासोर्स का बच्चा था, किस तरीके से बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा, कहने को लोग वहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पे ये डस्टबिन है, मुझे डस्टबिन तो नहीं लगा, आप बताइएगा कि अगर डस्टबिन है तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि वो डस्टबिन है क्या। लेकिन अभी आप आके देखेंगे ना तो वहाँ पर भी यही इस तरह के एग बना हुआ था, और इस तरह डायनासोर ये देखें, और यहाँ पर बच्चे हाथ डाल रहे हैं, और वो यही वाली सबसे बड़ा डायनासोर बड़ा डायनासोर ये ऊपर जाए बड़ा मोहम्मद हसन डर रहा है। नकली है बेटा, ओह
रो रहा है देख के लो बेटा नकली है चंदा और यहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे मैंने अपने कुछ क्लिप्स जो है वो शूट करवाए थे बैग के पास क्योंकि बच्चे तो यहाँ पे खड़े नहीं हो रहे थे मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद हसन भी डर रहा था मैंने कहा आ जाओ बच्चे आ जाओ लेकिन नहीं भाई इतना डर रहे थे दोनों कि खा जाएगा डायनासोर इनको इसकी इतनी बड़ी गर्दन है देन उसके बाद यहाँ पे हम वापसी जा रहे थे मतलब इतना कोई बड़ा भी नहीं था इतना कोई छोटा भी था मीडियम साइज़ का था और यहाँ पे तकरीबन जो मैंने आपको सारे डायनासोर दिखाए सारे डायनासोर आपको विज़िट करवाए हैं ठीक है और ओवरऑल इसका जो है ये व्यू था और ये जो एंट्रेंस अलग थी और इसका जो एग्जिट था वो अलग था और एग्जिट में भी इसी तरीके से ये सोफ़ा टाइप का रखा हुआ था डायनासोर का और मोहम्मद बिलाल आखिर में जाके जो है ना वो डायनासोर के ऊपर बैठा उसने एक दो पिक्चर्स क्लिक करवाई हैं और एंड में भी इस तरीके से एग में ये डायनासोर का बच्चा रखा हुआ था ठीक है तो ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा था बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग था और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था देखने में और इन्जॉयमेंट था दिन में जाओ तो बहुत अच्छा व्यू लगता है आप पिक्चर्स भी अच्छी अच्छी आती हैं क्योंकि ग्रीनरी होती बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इन्जॉय लगेगा तो ज़रूर जाइएगा सफारी पार्क में एक यही जो है पार्ट बहुत मुझे अच्छा लगा जिसको देखते हुए आवाम भी बहुत ज़्यादा आ रही है तो बहुत अच्छा लगा आप लोग ज़रूर इन्जॉय करेंगे सफारी पार्क में ये वाला व्यू देखते हुए सो या ये था मेरा फुल ट्यूटोरियल आई होप सो कि आपको जो है वो ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना है अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो भाई जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें ठीक है तो मैं मिलती हूँ आपको अनदर व्लॉग में जब तक खदीजा शरफ को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़ बाय बाय